Okay, so हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। हमने कुछ छोटे छोटे बेसिक्स एग्जांपल्स लिए थे। आई होप कि आपने उसको रिवाइज करा होगा और कैसे लिखना है एटलीस्ट आप वो समझ गए होंगे। ठीक है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। हम लोग आज बात करेंगे एक और फोर्स की। जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात करी थी एंड देन वी टॉक्ट अबाउट द वेट, तो इसी तरह से एक और आपका फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। ठीक ना। तो जब बॉडी जो ऑब्जेक्ट है अगर किसी स्ट्रिंग से अटैच होता है और स्ट्रिंग मेरा क्या है, स्ट्रेस्ड है, कोई रस्सी से आपका अटैच है बॉडी आपका और रस्सी खींचा हुआ है आपका, ठीक है, तो इस स्ट्रेस्ड पोजीशन में उस स्ट्रिंग में जो है एक फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं टेंशन। ठीक ना। जैसे मान लो इसी पेन को मैं ऐसे अगर खींच दूं तो वहां पे एक स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रेस। ठीक ना, आपने पढ़ा होगा विस्कोसिटी वगैरह में, या हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर नहीं होगा तो। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो अगर इसको मैं खींच दूं तो मेरे फोर्स के अगेंस्ट इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग वो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करते हैं, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स जो है अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट ना करें तो जब भी मैं इसको खींचूं तो तुरंत ये सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन खींचने पर ये अलग अलग नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि देयर इज सम रेसिस्टेंस इस पेन के अंदर, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे खींचने को रेसिस्ट कर रहे हैं। तो जो रेसिस्ट कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, वही क्या हो गया, इसमें स्ट्रेस हो गया और इन द केस ऑफ स्ट्रिंग उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंशन नाम देते हैं हम लोग, टेंशन। ठीक ना, टेंशन। ओके चलो, तो ये जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेंशन फोर्स की बात करते हैं, जिसको जनरली हम लोग टी से दिखाते हैं हम लोग, है ना। इसको टेंशन को टी से दिखला रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि वेन एवर स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड देर इज ए फोर्स इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग अगेंस्ट दिस स्ट्रेस्ड स्ट्रेचिंग फोर्स। आप स्ट्रेस कर रहे हो तो कोई ना कोई फोर्स आप लगा ही रहे हो अगेंस्ट दिस स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टेंशन। यही हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेंशन हम इसको बोलते हैं। ठीक ना, यही हम जिसको खींच रहे होते हैं तब। हम इसमें अब दो एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पर हम लोग। केस वन में हम यहाँ पे लेंगे कि मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, हम लोग ये लेंगे। और दूसरा जो आपका है हम लोग ये देखेंगे कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस नहीं है, उसमें क्या है, मास है आपका। ठीक है, तो इफ स्ट्रिंग इज मासलेस मतलब क्या हो गया कि हम जो रस्सी ले रहे हैं, जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसका मास हम लोग कितना मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। ठीक। अब एक चीज आपको पता होगा कि यूनिवर्स में कोई मैटर है, अगर है, इफ देर इज सम मैटर देर इज मास। ठीक है, कोई मैटर है तो वहां पे मास होगा ही होगा। तो हम मासलेस बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपका ये क्या है, आपका मास जीरो हम ये बोल रहे हैं। तो ये बात आप क्लियर समझ लो कि हम जब मासलेस बोलते हैं तो हम किसी के रेस्पेक्ट में हम ये बोलते हैं कि ये आपका जो बॉडी हो क्या आपका है, मासलेस है। ठीक है, मासलेस मतलब ये नहीं कि उसका मास जीरो हो गया, ऐसा नहीं। और जो सिस्टम में अदर बॉडीज हैं उन बॉडीज के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का जिसकी हम बात कर रहे हैं उस बॉडी का मास क्या आपका है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है वो आपका क्या है, मासलेस बॉडी है। कंपेयर कर रहे हैं, है ना।
हम अकेले अगर उस बॉडी की ही बात करें तो उस बॉडी में कभी भी मास जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैटर है तो वहां पे क्या आपका है, मास है आपका। क्लियर? जैसे हाथी और चींटी है ना, हाथी और चींटी, तो चींटी के अगर हम सिर्फ चींटी की बात करेंगे तो चींटी में तो कुछ 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 ना कुछ तो मास तो है आपका, ऐसे ना कि चींटी मासलेस है, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन अगर मैं हाथी से तुलना करूं कि हाथी की तुलना में चींटी का मास कितना है, कुछ नहीं है, हम क्या बोलेंगे, चींटी मासलेस है इन कंपेरेबल टू एलिफेंट। ठीक है, तो ये आपका होता है मासलेस का मतलब होता है। तो आपका जब मासलेस होता है ना, ऐसे आपका मान लो आपका ये एक स्ट्रिंग हो गया, जो आपका यहाँ ए है बी है, मान लो दो तीन हम लोग पॉइंट लेते हैं, आपका सी हो गया, और इसके इस एंड पे सी पॉइंट पे हमने क्या कर रखा है, एक मास हमने यहाँ पे लटका रखा है। ये जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमने एक ब्लॉक यहाँ पे लटका रखा है ऐसे। ठीक है, इस ब्लॉक को आपका जो अर्थ है वो क्या करेगा, पुल करेगा नीचे की तरफ। अर्थ जो आपका हो नीचे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, mg फोर्स से क्या होगा, पुल करेगा। तो अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो ये ब्लॉक मेरा नीचे गिर जाता, लेकिन ये नहीं गिर रहा, इसको रोके कौन रखा है, ये स्ट्रिंग रोके रखा है। तो स्ट्रिंग अगर रोके रखा है, मतलब क्या हो गया कि एक mg फोर्स अगर नीचे लग रहा है और ये गिर भी नहीं रहा है, अपने जो पोजिशन उसमें आपका रेस्ट में आपका है, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो एक mg लग रहा है, तो दूसरा फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो दूसरा फोर्स इसके ऊपर ये स्ट्रिंग लगा रहा है, और वही फोर्स इस mg को क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। ठीक ना, क्योंकि अगर इस m पे मास पे अगर सिर्फ mg लग रहा होता तो नीचे गिर चला जाता, ये अपने पोजिशन पे एज इट इज है, इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया, जीरो हो रहा है। फोर्स जीरो हो रहा मतलब क्या, एक फोर्स दे रहा है मुझे, तो इतना ही बराबर फोर्स एक दूसरा जरूर होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, जो इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो वो फोर्स कहां से आ रहा है, तो इस स्ट्रिंग से आपका रहा है, और उसी फोर्स हम क्या बोल रहे हैं, टेंशन फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ गए आप, या फिर इसी आप कोई और जगह समझ सकते हैं कि ये मास एम है, ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, रस्सी अटैच इसके साथ में, तो रस्सी को ये नीचे खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं रस्सी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहे हैं, थोड़ा सा खींचा रहे हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी मॉलिक्यूल्स अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे थोड़ा अगर दूर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स वहां पे हैं, ऐसे थे मान लो, है ना, मान लो ये आपने इसको खींच दिया, ये थोड़ा सा दूर चले गए, तो जैसे ही अपने पोजिशन से डिस्टर्ब होते हैं वहां पे क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है जो इसको वापस अपने पोजिशन में लेकर आता है। ठीक ना, तो उसी से क्या आपका है, टेंशन आपका क्या हो रहा है, जनरेट आपका हो रहा है, है ना। तो बताने के लिए मैं सिर्फ बोलता कि हाँ ये खींचा हुआ फोर्स हम टेंशन बोलते हैं, हम इतना बोल सकते थे हम लोग, बट उसको मैं आपको समझा रहा हूँ मॉलिक्यूलर लेवल पे कि ये टेंशन आया कहाँ से, है ना। कभी आप इंटरव्यू में जाएं और कोई आपसे पूछ दे कि टेंशन जनरेट कैसे हो गया उसके अंदर में, तो आप ये बात बताएंगे। ठीक ना, तो देखो इस रस्सी में क्या हो गया, टेंशन जनरेट हुआ है। हम उसको ऐसे दिखाते हैं, देखना ध्यान देना, ऐसे हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये पैसे हो गया। और अगर स्ट्रिंग मासलेस आपका यहां पे है तो उस केस में क्या हमने बोला कि देन टेंशन एट ईच पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। अगर स्ट्रिंग आपका मासलेस है तो उस स्ट्रिंग के हर एक पोजीशन पे जो टेंशन होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप लोगे तो हर एक पोजीशन पे जो टेंशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट इज इस एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि दैट इज, अगर मैं लिखूं तो टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, मैं दो तीन पॉइंट्स ले लिया, मैंने यहाँ पे ए बी सी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया पॉइंट्स को, तो टेंशन एट सी, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, नीचे कट रहा है, ये सारे के सारे क्या होंगे, ठीक है बराबर होंगे, है ना। दैट इज टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, ठीक है ना, ये सारे टेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे हर एक पॉइंट पे,
3 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट कि अगर आपका स्ट्रिंग क्या आपका है मासलेस है तब, है ना। ये जो हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं इस पर टेंशन का डायरेक्शन दिखलाते हैं, ये टेंशन इस एम पे याद रखना, ये जो टेंशन का डायरेक्शन है वो किसके ऊपर है आपका, इस मास एम के ऊपर है। रस्सी पर अगर मैं दिखाऊं टेंशन तो रस्सी पे किधर होगा, नीचे की तरफ आपका होगा। अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लू यहाँ पे, तो ये आपका ब्लॉक हो गया, अगर मान लो ये ब्लॉक हो गया एम मास का, तो इसके ऊपर एक एम जी फोर्स हो गया और ऊपर क्या आपका हो गया टेंशन हो गया जो रस्सी से आ रहा है। रस्सी ये मास जो है आपका रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी को नीचे खींच रहा है और उसके रिएक्शन में रस्सी क्या उसको ऊपर एक फोर्स दे रहा है टेंशन फोर्स, ठीक ना। ये हो गया मास। और अगर मैं स्ट्रिंग का बनाऊ यहाँ पे, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, मान लो ये ए हो गया, ये हो गया बी, हो गया सी, हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया, तो अगर स्ट्रिंग में मैं दिखाऊं टेंशन किधर का होगा, नीचे की तरफ का होगा। स्ट्रिंग में क्या होगा टेंशन कहाँ पे, नीचे की तरफ होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि हम जब फिगर में हम लोग जब ये डायरेक्शन दिखलाते हैं तो ये टेंशन हम लोग मास पे दिखला रहे होते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाता है कि टेंशन लोग रस्सी में दिखला रहा, नहीं रस्सी में आपका नीचे लग रहा है, रस्सी को ब्लॉक जो है नीचे खींच रहा है, रस्सी नीचे उसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन वो रिएक्शन किधर दे रहा है ऊपर दे रहा है, तो रिएक्शन किसके ऊपर दे रहा है ब्लॉक के ऊपर दे रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम पे याद रखेंगे, है ना। तो अगर मान लो कि ये सारा कुछ आपका इक्विलिब्रियम में आप यहाँ पे है, कोई मोशन आपका नहीं हो रहा है, तो उसके इसमें टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स और निचला फोर्स आपको बैलेंस किए हुए हैं, नेट फोर्स कितना आपका हो गया जीरो हो गया, नेट फोर्स कितना आपका हो गया जीरो हो गया, क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला केस कि अगर आपका स्ट्रिंग जो आपका क्या है मासलेस है, तो उस केस में उसके हर एक पोजिशन पे टेंशन जो होगा सेम होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, तो हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, केस टू कि इफ स्ट्रिंग हैज सम मास, मतलब अब जो स्ट्रिंग है वो अब मासलेस नहीं है आपका, तो जो स्ट्रिंग और मासलेस नहीं है, ठीक है। तो इफ स्ट्रिंग हैज सम मास, ठीक ना। चलो तो देखो एक मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल, ये स्ट्रिंग हो गया, इसका हम लोग ए, एक हो गया बी और एक हो गया आप कहां पे सी, ये तीन पोजीशन लोकेट कर ले रहे हैं और ये हम लोग एक मास क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे अटैच कर दिया है, सेम चीज है ना। अब स्ट्रिंग में भी क्या आपका है मास है, स्ट्रिंग भी आपका मास है, तो मान लो आपका जो ये कैपिटल एम हो गया, ये आपका हो गया टोटल मास, देखो यहाँ पे टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग मैंने उधर लिखा हुआ है, अगर कट रहा है तो उस पूरे स्ट्रिंग का मास कितना आपका है एम है, कैपिटल एम, और एक ब्लॉक भी क्या कर दिया आपने अटैच कर दिया है, ठीक है। ये पूरा लेंथ मान लो कितना आपका है एल है, ये पूरा लेंथ सपोज कि कितना आपका है एल है, और ये लेंथ मान लो एल बाय टू है, अपने सुधर में आप लिख रहे हैं ये आपका हो गया एल बाय टू, आपका एल लेंथ हो गया, तो यहाँ पे कितना आपका हो गया एल बाय टू हो गया, यहाँ पे आपका हो गया एल बाय टू हो गया, ठीक है। हाफ हाफ ले ले रहे हैं हम लोग। हाँ रोहित कुमार महतो क्या बोल रहे हैं, सर व्हाट इफ ब्लॉक इज इन मोशन देन व्हाट वेयर विल टेंशन क्रिएट, ब्लॉक मोशन में भी रहेगा तभी कोई दिक्कत ना आपका नहीं है, टेंशन का वैल्यू जो आपका है वो ऊपर ही रहेगा, टेंशन से ऊपर रहेगा आपका, ये जो हम यहाँ पे दिखला रहे हैं एक्चुअली वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा आपका, टी ही रहेगा,
हाँ उसका अमाउंट बदल जाएगा, है ना। जैसे हमें क्या लिखा, हमने टी छोटे एम जी था आपका, जब मोशन में रहेगा। एक्चुअली ये क्या आपका है, ये आपका है टी माइनस एम जी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, सो टी इक्वल हम लोग क्या लाया है, एम जी, है ना। और जब मोशन रहेगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा बस, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम आपको रहेंगे, ठीक है। तो मोशन से कोई दिक्कत नहीं है आपको, इक्वेशन मोशन लिखना आपने सीखा हुआ है, बस आपको वो लगाना है, क्लियर। चलो ठीक है, तो देखो सेकेंड केस हम लोगों का था, अब एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं दो केस के बारे में, ठीक है। कुछ मास आपका रहेगा, तो उस केस में क्या आपका रहेगा, देन टेंशन जो आपका होगा एट डिफरेंट पॉइंट इन स्ट्रिंग इज डिफरेंट। तो अगर स्ट्रिंग में आपका कुछ मास अगर है, तो उस केस में उसके अलग अलग पॉइंट पे टेंशन क्या आपका रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन आपका अलग अलग रहेगा, ठीक ना। क्यों ऐसा रहेगा, देखो हम लोग मान लो कि एट सी पे बात करते हैं, सी पे, ठीक ना, सी पर देखते हैं मान लो। तो सी पर देखो ये जो आपका टेंशन सी पे एकदम जस्ट बॉटम पर हम बात कर रहे हैं, तो हमको बेसिकली क्या देखना है कि उस पॉइंट जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के नीचे उसका नेट पुलिंग फोर्स कितना है, हमको ये बेसिकली देखना है। तो जितना से वो पुल हो रहा होगा उतने से वो रिएक्शन देगा ऊपर। तो जब मासलेस था आपका, तो हम पॉइंट सी पे हम बोले, तो पॉइंट सी पे भी क्या आपका फोर्स लगा, ये एमजी लग रहा है, एमजी फोर्स नीचे पुल हो रहा है, तो उतना उसने रिएक्शन दिया। पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट बी के नीचे भी नेट पुलिंग फोर्स कितना आपका है, एमजी ही है आपका, तो इतना ही फोर्स वही पुल हो रहा है, तो उतना ही रिएक्शन मिला वहां भी। पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट ए के नीचे भी नेट पुलिंग फोर्स क्या आपका है, सिर्फ ही आपका एमजी है, क्योंकि इनका तो कुछ मास है ही नहीं। तो पॉइंट ए भी क्या आपका है, उतना ही फोर्स से पुल हो रहा है, उसने भी क्या किया, सेम रिएक्शन। इसलिए हर एक पॉइंट पे आपका जो टेंशन था आपका क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक ना। लेकिन जब मास रहेगा स्ट्रिंग में, तो सी पे बी पे ए पे मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे, तो टेंशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों, अब आप समझ सकते हैं आसानी से। सी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो सी पॉइंट पे जो नेट पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ जो तो पुल कर रहा है, वो क्या आपका है, एम है, एम जी है आपका, एम जी। तो सी पॉइंट पे कुछ टेंशन आपका जनरेट हो गया, ठीक है, जो उसको अपोज कर रहा है। बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो बी पॉइंट के नीचे नेट पुलिंग फोर्स क्या आपका है, तो एक ब्लॉक तो है ही आपका एमजी, एमजी उस पे लग रहा है। साथ ही साथ ये जो बीसी सेक्शन जो हो गया, इतना बड़ा जो सेक्शन हो गया आपका स्ट्रिंग का, उसमें भी क्या आपका है, कुछ मास है, क्योंकि अब स्ट्रिंग में मास है आपका कहाँ पे। तो जो बीसी आपका हो गया, आधा लंबाई जो हो गया, उसका भी कुछ मास है, वो मास भी क्या है, उसको पुल कर रहा होगा, उसको भी आप क्या है, पुल कर रहा होगा नीचे। तो अब इसके जो दो फोर्स हो गया, एक एम जी ब्लॉक का हो गया, प्लस स्ट्रिंग का जो सेक्शन है उसका पूरा आपका हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, पुलिंग फोर्स बदल गया, तो टेंशन क्या हो गया आपका, बदल गया, ठीक ना। और अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट के नीचे ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, उसका मास वो नीचे पुल कर रहा है, और साथ में का ये ब्लॉक भी है, वो भी नीचे पुल कर रहा है। तो हर एक लोकेशन पे आप समझ गए यहाँ पे कि आपका जो नेट पुलिंग फोर्स है डाउनवर्ड वाला वो क्या आपका है, बदल रहा है हर एक पॉइंट पे, ठीक ना। तो सी पॉइंट पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या आपका एम है आपका सिर्फ, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हो गया मान लो, ये आपका सी पॉइंट वहां पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया टी टी सी मान लो इसको, और
और इसके नीचे नेट क्या आपका है, इसके नीचे आपका नेट एमजी हो गया, वो ब्लॉक आपका हो गया एमजी। ठीक है, देखो दो फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये ब्लॉक का फिगर हो गया एम, ये आपका सी पॉइंट हो गया, यहाँ टेंशन कितना हो गया 30 सी, और आपका हो गया एमजी। ठीक ना, और अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं, आपका सी पॉइंट हो गया, तो स्ट्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा टी सी, तो स्ट्रिंग पे आपका ये पॉइंट सी हो गया, तो पॉइंट सी पे फोर्स नीचे इधर वाला और ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि आपको मोशन आपका हो नहीं रहा है, तो टी सी का वैल्यू कितना आपका हो गया एम जी हो गया, टी सी का वैल्यू आपका हो गया एम जी हो गया। ठीक है, वैसे ही देखो अगर मैं बात करूं बी पर, कि पॉइंट बी पर कितना आपका टेंशन लग रहा होगा, है ना, तो मुझे क्या देखना है बेसिकली, कि आपका जो पॉइंट बी है उसके नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा है, पुलिंग फोर्स। तो पॉइंट बी के नीचे ये ये लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है, उसका कुछ मास होगा, और ये ब्लॉक भी है, दोनों मिलके क्या करें उसको खींच रहे हैं, है ना। तो हमने इसलिए ले यहाँ पे कि टोटल मास कितना है, एम है स्ट्रिंग का, और मान लो यूनिफॉर्म आपका स्ट्रिंग है, आपका स्ट्रिंग हो कितना आपका यूनिफॉर्म है, तो जब स्ट्रिंग आपका यूनिफॉर्म होगा तो हर एक सेक्शन का मास कितना होगा, बराबर होगा, है ना। अगर मोटा पतला होता है स्ट्रिंग आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो हर एक सेक्शन का मास अलग अलग होगा, बट यहाँ पे हमने जो ले लिया है वो हमने ये मान लिया है कि मेरा जो स्ट्रिंग है कैसा आपका है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पूरे का अगर मास m है तो आधे का मास कितना होगा, आधा होगा m by 2, तो आपका जो BC सेक्शन आपका यहाँ पे हो गया, तो इसके नीचे कितना आपका हो गया, एक ब्लॉक का फोर्स हो गया mg, और एक क्या आपका फोर्स हो गया m by 2 into g, m by 2 into g। ठीक ना, तो B पॉइंट के नीचे नेट फोर्स आपका इतना हो गया, दो हो गया, एक ब्लॉक वाला एम जी हो गया, और एक आपका स्ट्रिंग का जो था वो एम बाई टू जी हो गया आपका। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे लिख लो टी बी, टी बी अलग फोर्स हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो टी बी जो हो गया कितना हो जाएगा, तो एम जी प्लस एम बाय टू जी, ये आपका हो गया टी बी। क्लियर, एम टी बी इक्वल हो गया एम जी प्लस एम बाय टू जी आपका हो गया। ठीक है, ये देखो सी पे एम जी था सिर्फ, बी पे कितना हो गया, अब इतना आ गया, चेंज हो गया ना, है ना, तो आपका ये चेंज हो गया, इसलिए हर एक पॉइंट पे आपका ये चेंज होगा। उसी तरह से ए पॉइंट पे देख लो, तो आप बता सकते हैं कि ए पॉइंट पे क्या होगा आपका, ए पॉइंट पे क्या होगा आपका, तो मैं यहां पे लिख दूं फटाफट कि एट पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ए हो गया, तो ए पॉइंट पे नेट जो आपका फोर्स है पुलिंग फोर्स वो कितना हो गया, तो एक आपका हो गया एम जी, ये वाला ब्लॉक का फोर्स, और ये जो पूरा का पूरा रस्सी लटका हुआ है उसका भी फोर्स हो गया, तो चूंकि पूरा का पूरा रस्सी आपका है और पूरे रस्सी का मास कितना आपका कैपिटल एम आपका है, ये आपका हो गया एम जी, है ना, और यहाँ पे आपका हो गया टी ए, तो आप यहाँ पे देख लो बैलेंस कर रहा है, ऊपर और नीचे का फोर्स बैलेंस हो रहा है, तो टी एच कर लो क्या लिखे, हाँ लो एम जी प्लस एम जी हम यहाँ पे लिख देंगे नेट फोर्स, क्योंकि इसमें मोशन हो नहीं रहा है आपका, तो नेट फोर्स क्या आपका है जीरो है अभी भी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हमने लिख दिया। ठीक ना, तो इसे हम देख लिए यहाँ पे, इसे आप कहीं भी निकालना हो, मतलब ए बी और सी आपने हमने तीन पॉइंट्स मार्क कर लिए थे, इसे आप कहीं भी निकालना चाहें आपको आप निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो ये पूरा आपको मैंने समझाया कि टेंशन जो है वो कहां से आ गया और कैसे हमको लिखना है, दो केस मैंने आपको रिसर्च करके दिखा दिया, अब हम लोग आगे इसको प्रॉब्लम में करके देखते हैं, ठीक ना।
अब हम इसको प्रॉब्लम में करके देखते हैं हम। चलो तो इसमें प्रॉब्लम में जो आपका आता है वो क्या आता है, देखो पुली प्रॉब्लम, पुली है ना, पुली किसको बोलते हैं हम लोग, पुली प्रॉब्लम, तो पुली किसको बोलते हैं हम लोग, तो आप कुएं में आपने देखा होगा कुआं, जब आपका घर में गांव में कहीं भी अगर आपने कुआं देखा होगा तो कुएं में एक ऐसे से गोल बांध के रस्सी लटका के से ला और उस पे पानी डाल देते हैं हम लोग, बाल्टी डालते हैं और उसे खींचते हैं हम लोग, ठीक ना, गोल सा घिरनी बोलता है गांव में, उसको घिरनी बोला जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पुली, ठीक ना। तो वही आपका हो गया पुली, आपका हुई होगी आपका, देखो कैसा आपका होता है इस तरीके से, ये आपका हो गया इस तरीके से गोल, यहाँ आपने इसको हिंज कर दिया है, क्लैंप कर दिया है आपने, और इसके चाहो तो आप क्या कहते हैं अपने रस्सी बांध के ऐसे लटका दिया है ऐसे, आपका ये आपका हो गया ऐसे, ये आपका ऐसे हो गया है ना, इसके चाहो तो आपका ये रस्सी आपका ऐसे लटका हुआ है दोनों साइड में, मान लो इधर आपने मास एक M1 लगा दिया, इधर आपने एक मास लगा दिया M2 लगा दिया ऐसे, इसी को बोलते हैं लोग पुली, ठीक ना। और ये जो आपका मशीन है, मान लो कि M1 और M2 अगर बराबर मास के रहेंगे तो फिर इसको छोड़ दोगे अगर आप तो ये ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर दोनों का मास बराबर नहीं है तो जब इसको रिलीज करोगे तो जिधर भारी होगा उधर वो नीचे जाएगा और जो हल्का होगा ऊपर जाएगा, भारी वाला नीचे जाएगा हल्का वाला ऊपर जाएगा, ठीक ना, ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्लियर। ये जो आपका इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, इसका नाम एक होता है फिजिक्स में, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, तो कभी आपको पुली ना बोलकर एटवुड मशीन ऐसा भी लिख के बताता आपको वहां पे, एटवुड मशीन, ठीक ना। अब इसमें कुछ कुछ बातें आपकी लिखी होती हैं कि आपका जो पुली है, पुली इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड स्ट्रिंग इज आल्सो मासलेस, ये जो आपका पुली है वो भी मासलेस है और जो आपका स्ट्रिंग अटैच है इधर से इधर दोनों साइड में वो भी क्या आपका है मासलेस है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, ठीक है। तो जब पुली भी मासलेस हो, स्ट्रिंग आपका मासलेस हो और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो तो आप याद रखना देन टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड ऑफ पुली इज सेम, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना चाहिए हमेशा के लिए, कि अगर पुली फ्रिक्शनलेस है मासलेस है, स्ट्रिंग भी क्या आपका है मासलेस है, तो पुली के दोनों साइड जो आपका स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या आपका रहेगा सेम रहेगा, इधर टी अगर लगा तो इधर भी आपका क्या होगा टी लगेगा, टी टी ऐसा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान देंगे और इसी में आगे जो आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर पुली फ्रिक्शन ला हो गया, पुली में फ्रिक्शन है मतलब जब रस्सी इसमें मूव कर रहा है तो देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन है ना, तो पुली में जब फ्रिक्शन हो जाएगा या पुली में मास आ जाएगा या इस स्ट्रिंग में कि आपका हो जाएगा मास हो जाएगा, तो उस केस में टेंशन जो होगा दोनों साइड में इधर अलग होगा इधर अलग होगा, क्लियर याद रहेगा। पुली में अगर मास हो जाए या पुली आपका फ्रिक्शनलेस ना रहे तो उस केस में इसके दोनों साइड में जो टेंशन होगा वो आपका अलग अलग होगा, और ये हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे तब रोटेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों का यही मिलेगा, हमको मासलेस पुली मिलेगा, फ्रिक्शनलेस
फ्रिक्शनलेस पुली मिलेगा, वही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो रोटेशन आपको मिलेगा वो प्रॉब्लम जहाँ पे कि आपका जो पुली है उसमें मास भी रहेगा और वहाँ क्या आपका रहेगा फ्रिक्शन भी रहेगा, उसके इसमें अलग अलग मतलब दोनों साइड में जो आपका स्प्रिंग होगा उसमें आपका सेम टेंशन नहीं होगा, ठीक है। देन टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली इज सेम, ठीक है। और ये याद रखना कि इन द सेम पुली, याद रखना ये इन द सेम स्ट्रिंग, मतलब समझ लो क्या मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, मुझे याद आ गया कि ये जो रस्सी है ना दोनों साइड में बोले सेम होगा टेंशन, लेकिन रस्सी भी सेम होना चाहिए, ये यहां से यहां सेम आपका रस्सी है ना। अगर मान लो कि आपने कोई दूसरा रस्सी अटैच कर दिया इधर, मान लो आपने एक और रस्सी यहाँ पर अटैच कर दिया, तो दूसरा रस्सी अगर हो जाएगा तो दूसरे रस्सी में टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द सेम स्ट्रिंग, दोनों साइड में आपका स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, ठीक। चलो तो देखो कितने छोटे छोटे बारीक चीजें होती हैं जानने के लिए, समझने के लिए मैकेनिक्स में। और इसीलिए क्या होता है ना कि मैकेनिक्स जो है आपका स्टूडेंट का कभी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का होता है क्या कि अक्सर स्ट्रोंग नहीं हो पाता है ना। छोटा छोटा कितना सारा बात आपका रहता है जो आपको दिमाग में रखना होता है कॉन्सेप्ट, तब जाके क्या होता है प्रॉब्लम का बंदा है। जैसे भी देखो अभी सिर्फ टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और कितनी सारी बातें यहाँ पे आ गई, सिर्फ टेंशन में लेके आ गई बात है ना, आपको टेंशन टेंशन दे दिया आपको, इसीलिए मैकेनिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्लियर। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरे यहाँ पे कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड ऑल्सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑल्सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है मेरा कि आपको ये जो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको टेंशन जो आपका आएगा स्ट्रिंग में वो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखेंगे, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम मेरा क्या है सारे फोर्स दिखाइए, दूसरा काम क्या है मेरा रिजोल्व करना है तो रिजोल्व कीजिए, और तीसरा काम मेरा क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। ये तीन पॉइंट है मेरे पास। एक और पॉइंट आपका यहाँ पे कि जब ये स्ट्रिंग्स जो हैं जो ब्लॉक है आपके जो ब्लॉक्स हैं ये दोनों ब्लॉक आपको डायरेक्टली क्या है अटैच्ड हैं, ये आपको दोनों ब्लॉक जो हैं वो डायरेक्टली क्या आपको है अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो उस केस में क्या आपका होगा ना कि जितना मान लो कि M2 नीचे जा रहा है M1 ऊपर जा रहा है, एक नीचे जाएगा एक आपका ऊपर जाएगा, दोनों आपका नीचे नहीं जाएगा वहां पे, ठीक है। यहाँ लिखा रहा है क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल है ना, मतलब स्ट्रिंग खिंचाएगा नहीं आपका, सबको आपको क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, मासलेस, पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, आपको ये सब कुछ लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो ये नहीं खिंचाएगा आपका है ना। खींचा तो क्या होता है रबड़ खिंचाता है ना आपका रबड़, तो ऐसा खिंचाता तो क्या होता ये दोनों ब्लॉक नीचे जा सकते थे आपको, M1 भी नीचे जाता M2 भी नीचे जा सकता था आपका यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो रस्सी हो क्या है खींचा रहा है स्ट्रेच्ड हो रहा है। बट आपको क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो अनस्ट्रेचेबल है आपका है ना, तो उस केस में आपका एक नीचे जाएगा तो दूसरा आपका ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। डिपेंड करके कौन भारी है, भारी लोग नीचे जाएगा हल्का लोग ऊपर जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कल के लेक्चर में कि अगर आपको मान लो कि पता नहीं चल रहा है कि मोशन किधर होगा है ना, जैसे यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि M1 M2 मुझे मास पता ही नहीं चल रहा है तो किधर होगा मोशन मुझे नहीं पता है ना, तो आपको कुछ चिंता नहीं करना है, आपको जिधर मन उधर आप मान लो मोशन है ना, कोई मान लो कि M2 नीचे जा रहा है मान लेता है, M1 ऊपर जा रहा है, कोई मान ले कि नहीं M1 नीचे जा रहा है M2 ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ भी आप मान लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा आप मानेंगे
आप क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक ना। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आएगा वहां से आप क्या निकालेंगे, ए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन का पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या हो गया कि आपने जो डायरेक्शन माना है वो आपका सही है, और अगर आपका नेगेटिव आ गया मतलब आपका डायरेक्शन क्या आपका है उल्टा है, ठीक है। इसलिए किधर मौसम होगा उसको चिंता नहीं करना है आपको। चलो तो मैं यहाँ पे बता रहा था आप कहाँ पे कि दोनों ब्लॉक्स का जो सलेशन होगा क्या होगा आपका सेम होगा। देखो इसमें फिर से नए नए कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, है ना, नए नए फिर से सबको कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स का सलेशन क्या है अलग अलग हो सकता है, हम उसको बाद में देखेंगे उस प्रॉब्लम को, फिलहाल में है ना हम उसको बाद में देखेंगे उस प्रॉब्लम को, तो कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स जो है आपको स्ट्रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो जितना अगर मान लो M2 नीचे जाता है उतना ही M1 आपका ऊपर जाएगा। अगर M2 आपका X नीचे जाता है, देखो आप यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ पे फिर से, M1 हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका यहाँ पे M2 हो गया, ये आपका अटैच्ड यहाँ पे आपका हो गया ऐसे, ठीक ना। तो मान लो कि M1 M2 में नीचे आ रहा है, तो मान लो कि ये X नीचे आया, यहाँ से क्या हो गया X नीचे आया, है ना, यहाँ पहुंच गया आपका M2, तो ऑब्वियस ही बात है कि M1 जो होगा वो क्या होगा, ये भी आपका X ऊपर गया होगा कहाँ पे, यहाँ पहुंच गया M1 कहाँ पे। तो M2 अगर X नीचे आता है तो M1 भी क्या होगा आपका X ऊपर जाएगा, ठीक ना। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, तो दोनों स्ट्रिंग क्योंकि दोनों ब्लॉक्स क्योंकि सेम स्ट्रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों का मोशन सेम हो रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सेम हो गया, मतलब दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, याद रखना, ठीक है। तो देखो बहुत सारे बारीक बातें आपको होती हैं, तो हम लोग वो वाला प्रॉब्लम भी करेंगे जिसमें कि दोनों ब्लॉक्स का जो है अलग अलग क्या होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट का होगा डिस्प्लेसमेंट, तो अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ तो वेलोसिटी भी अलग हो जाएगा और आपका एक्सेलरेशन भी आपका अलग अलग हो जाएगा आपका, तो हम अभी उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो बोथ ब्लॉक्स जो आपको है हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या आपका सेम है, इसलिए दोनों का वेलोसिटी भी सेम रहेगा और दोनों का एक्सेलरेशन भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। और जब दोनों में सेम नहीं होगा हम लोग क्या हम लोग देखेंगे अगले बार में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कभी उसमें आपको सिखाऊंगा। तो ये सब हम लोग यहाँ पे सीख गए यहाँ पे, चलो तो ये तो हम समझ गए कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा और दोनों का एक्सेलरेशन भी आपका सेम होगा, है ना। तो मैं फिर से बनाता हूँ फिगर आपको, यहाँ पे देखो ये आपका हो गया पुल्ली हो गया, ये आपका हो गया M1, ये आपका हो गया M2। तो मान लो आपका M2 जो आपका है नीचे जा रहा है, ये भारी है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका भी कितना आपका होगा ए होगा, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आपका सेम होगा, ठीक है। एक नीचे एक ऊपर, दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा सेम होगा, किसी भी समय अगर हम बात करेंगे एक सेकंड के बाद बात करेंगे या दो सेकंड के बाद बात करेंगे तो दोनों का वेलोसिटी भी क्या रहेगा सेम रहेगा। टेंशन देखो, है ना, टेंशन क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पर, मैं बोलूं यहाँ पे कितना होगा M2G इसमें एक फोर्स हो गया, M2G फोर्स हो गया, इस पे ब्लॉक पे टेंशन किधर आपका ऊपर की तरफ, तो चलो ऐसे दिखाएं यहाँ पे, ये हो गया T, ये ब्लॉक पे है टेंशन, स्ट्रिंग पे नीचे होगा, हम लोग इधर घूम के आते हैं यहाँ पे, इधर से आते हैं यहाँ पे हम लोग, ये ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, तो M1G ये हो गया, और इस पे भी जो टेंशन होगा यहाँ पे वो भी किधर का होगा ऊपर हो गया, देखना ये भी आपका ऊपर है ना, बहुत लोग यहाँ भी गलती करता है
किसके ऊपर ऊपर दिखा दिया तो बोलता कि यहाँ पे नीचे आपका हो गया नीचे, है ना, ऐसा नहीं नीचे नहीं, इससे भी टेंशन कितना होगा, ऊपर होगा। कैसे होगा, देखो ये रस्सी को ये ब्लॉक खींच रहा है नीचे, इस रस्सी को ये ब्लॉक नीचे खींच रहा है, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे खींच रहा है, तो रस्सी इसको ऊपर दे रहा रिएक्शन, ठीक है। ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि M1 को रस्सी खींच रहा है, इधर साइड में देखो रस्सी को M2 खींच रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में रस्सी M1 को खींच रहा है, तो कितना से खींच रहा होगा, तो जितना से खुद खींचा रहा है, कितना से खींचा रहा है, तो M2 जितना से खींच रहा है, ठीक है। तो M2 रस्सी को खींच रहा है और रस्सी पे मिलके इसको M1 खींच रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये पूरा आपका क्या है, प्रोसेस हो रहा है यहां पे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि रस्सी को M2 खींच रहा है और रस्सी फिर मिलके दूसरे साइड में क्या है, M1 को खींच रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो रस्सी को ऊपर खींच रहा है तो टेंशन आपका ऊपर हो गया, इस साइड में M2 नीचे खींचा तो उसको रिएक्शन ऊपर मिल रहा है वहां पे ऐसे, तो दोनों साइड में आपका टेंशन का डायरेक्शन ऊपर, ठीक है ना। याद रखना, बहुत गलती करता है, एक तरफ नीचे बनाता है एक तरफ ऊपर बना जाता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया फोर्स, हमने दिखला लिया इसमें फोर्स हमने दिखला लिया, ठीक है। चलो तो ऐसा है ना, चाहो तो आप यहाँ पे सीधे सीधे इक्वेशन मोशन लिख सकते हो या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप यहाँ पे, M1 का दिखा दो आप यहाँ पे, तो M1 ऊपर का हो गया T लग रहा है, नीचे आपका हो गया M1 G हो गया, इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है ना। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें ये लिखना है। तो टी मतलब नेट फोर्स में क्या करना है, तो मोशन के डायरेक्शन का फोर्स का प्लस लेना है और उसके अपोजिट में क्या लेना होगा, माइनस लेना है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी, उधर आपका टी है अकेला और एम वन जी आपका उसके अपोजिट आप कहाँ पे है, तो एम वन जी इक्वल टू एम वन इंटू ए आपका हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया आपका, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट M2 का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, क्या क्या फोर्स लगा आपका, ऊपर T लग रहा है, नीचे आपका M2G लग रहा है और इसका मोशन किधर आपका हो रहा है, नीचे हो रहा है A, है ना। इसका मोशन किधर आपका हो रहा है, नीचे की तरफ का हो रहा है, तो इसका इक्वेशन मोशन क्या आपका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन मोशन, तो मोशन की तरफ का फोर्स क्या है, M2G, तो M2G यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और T यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो अब देख लो आप यहाँ पे क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू जो लिखा है, अगर आपको कोई भी थोड़ा भी अगर डाउट है तो आप जल्दी से बताइए कमेंट करके, मैं इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा भी अगर डाउट है तो बताइए कि कैसे लिखा है हमने, इसको फिर से समझाऊंगा। तो देखो सिर्फ यही तो क्वेश्चन मुझे लिखना था और इसलिए हम लोग आधा घंटा तक हम इसको लेक्चर देते रहे इसके ऊपर, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है, कैसे रखनी है, है ना, ये सारी बात हम सीखे तब जाकर हम ये क्वेश्चन लिख पाए हैं। एक सेकंड का काम आपका ये क्वेश्चन लिखने का, अगर आप सीख जाएंगे तो ये लिखने में आपको हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे, आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको 30 मिनट लग गए समझाने में, 30 मिनट्स लग गए हमको, ठीक ना। तो यही होता है आपका कॉन्सेप्ट, छोटी 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 बातों को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊं ताकि आप गलती ना करें, है ना।
मैकेनिक्स में बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को, और मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप एकदम बारीकी से जो है चीजों को समझें और ध्यान से समझें और सीखें, एक एक पॉइंट कोई मिस ना हो जाए आपका। आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है और क्या निकालना है, कॉन्सेशन निकालना है, तो इनको आप ऐड कर दोगे ना, तो देखो आपका जो टी है ना कैंसिल हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि टी मेरा क्या है, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। कल हम समझे थे इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा हम लोग समझे हुए थे कल। तो टी चूंकि क्या है, सिस्टम मेरे पास क्या है, सिस्टम मेरे पास ये पुली है, ये स्ट्रिंग है, ये दो मास मेरे पास क्या है, सिस्टम में है। तो जो टी है वो स्ट्रिंग में ही लग रहा, अपने आप में लग रहा है, तो टी मेरा क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन ये जो M1G और M2G है वो कहां से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, और अर्थ मेरे सिस्टम में नहीं है, तो M1G M2G मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। M1G और M2G मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो टी मेरा इंटरनल फोर्स हो गया, M1 M2G जो आपका है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स आपका हो गया, ठीक ना। तो इसलिए टेंशन हमें, इसलिए आपका जो इंटरनल फोर्स हमेशा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है हमेशा, इंटरनल फोर्स से कोई रोल आपका नहीं होता है टू जनरेट एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स आपका होता है जनरेट, ठीक। चलो तो देखो इसको ऐड करो तो आपका ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया M2G माइनस M1G और हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू ए, तो ए जो आपका आ गया देखो M2 माइनस M1 इंटू जी, या फिर ऐसा लिख दो M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ठीक है। आपका आ गया एक्सेलरेशन, उसको कहीं पे 1 और 2 में पुट कर दो तो क्या आपको मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा आपका टी। कुछ पूछना तो एक बार देख लो, तो हम लोग आज से क्लास एंड करते हैं, और कल के लेक्चर में कुछ और मैं इसमें आगे जो है कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कुछ और हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कल के लेक्चर हम लोग मिलते हैं आगे और हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट बताना था मैंने समझा दिया आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, फोर्स कैसे हम देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, वेट कैसे लगता है, टेंशन कैसे लगता है, स्ट्रिंग पे क्या क्या केसेस हैं आपको, ये हम लोग सब कुछ क्या कर लिए, समझ लिए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम लोग अब इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो तो तब तक आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। ओके सो थैंक यू, गुड नाइट।